जब हम और भाभी गुजरात मिलने गए थे एक दफा भाई साहब के पास, तो भाई साहब ने मेरे सामने कहा शाइस्ता नंदी से मेरा पैसा मंगवा लो। प्रशासन ने फंसाया सर नंदी, ये जो अभिलाषा अभिलाषा जो 10 साल से मेयर रह रही हैं, इनकी साजिश है कि शाइस्ता को इसमें फंसा दो जिससे इलेक्शन न लड़ पाए। प्रयागराज हत्याकांड में जहां अतीक अहमद के करीबियों पर प्रशासन का सिकंजा कसने के बाद, अब इस मुद्दे पर योगी सरकार में उद्योग मंत्री नंद गोपाल नंदी का नाम भी आ गया है। जहां सोमवार को बहन आयशा ने नंदी पर अतीक से पैसे लेने का आरोप लगाए, तो वहीं अब समाजवादी पार्टी का आईटी सेल के ट्विटर हैंडल से सोमवार शाम को 2 फोटो पोस्ट की गई, जिसमें नंद गोपाल नंदी और अतीक अहमद साथ बैठे हुए मुस्कुराते दिख रहे हैं। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने फोटो पोस्ट करते हुए लिखा कि योगी जी, एक तरफ तो आपके मंत्री दागदार गुंडे और माफिया हैं, अब्बल दर्जे के भ्रष्टाचारी हैं, आप सदन में माफियाओं को मिट्टी में मिला देने जैसे बयान देते हैं और खुद माफियाओं गुंडों भ्रष्टाचारियों और अपराधियों से भरे मंत्रिमंडल के मुखिया हैं, ये दोहरा चरित्र दोहरी बयानबाजी क्यों? इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट और लिखा गया कि योगी जी के मंत्री नंद गोपाल नंदी खुद एक बड़े भ्रष्टाचारी माफिया और आपराधिक किस्म के आदमी हैं। आज प्रयागराज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके द्वारा 5 करोड़ रुपए हड़पे जाने को लेकर आरोप लगे। योगी जी, तनिक भी नैतिकता हो तो इन्हें बर्खास्त करें। जहां सपा ने नंद गोपाल नंदी पर निशाना साधा, तो वहीं नंद गोपाल नंदी ने भी इस पूरे प्रकरण में नाम आने के बाद अतीक की बहन आयशा के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कानून का शासन है। योगी सरकार अपराधियों और माफियाओं के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उमेश पाल हत्याकांड में भी कार्यवाही पूरी सख्ती के साथ इसी दिशा में अग्रसर है। इसलिए ये बेसिर पैर की बातें मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने और गुमराह करने का असफल प्रयास मात्र है। ये तथ्यहीन अनर्गल और बेतुकी बातें मेयर चुनाव से इसको जोड़ना ना केवल फिजूल है बल्कि हास्यास्पद भी है। फिलहाल अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में इस मामले पर क्या कुछ और देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।